सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो वैकेंसी निकली है वो निकली है फायरमैन के पदों पर। तो दोस्तों, इसमें पोस्ट या पद का नाम आप देख सकते हैं, पोस्ट मिलने वाले आपको फायरमैन की। ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है 29 नवंबर 2018 को, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी वीडियो को स्टार्ट या शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस वैकेंसी में किस स्टेट के कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है फायरमैन की, इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो वो अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है, जो बताई गई योग्यताएँ रखता हो। तो अब आप बात करते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी में आपको जो पोस्ट लिस्ट में मिलने वाली है, टोटल पदों की संख्या आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मिलेंगे आपको 1679 आपको इसमें टोटल पोस्ट मिलने वाली हैं। सेलेक्शन होने के पश्चात वेतन मिलने वाला है आपको, आप देख सकते हैं वेतन या सैलरी आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपको इसमें वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि और परीक्षा शुल्क सही मद्दी संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे वो 8 दिसंबर 2018 से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/12/2018 है और आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आवेदन शुल्क आपको कितना देना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 400 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा, जो ATM या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इसके साथ ही नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से कैंडिडेट अपना परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। आवेदन शुल्क में छूट के बारे में यहाँ बेसिक सामान्य जानकारी बताई गई है, तो आप इसकी भी विस्तृत जानकारी इसकी ऑफिशियल साइट और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, वहाँ से आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। और मैंने बताया कि अप्लाई भारत का कोई भी नागरिक हो वो इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 12वीं कक्षा पास हो, ऐसा कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, कैंडिडेट की आयु सीमा की बात करें तो आप देख सकते हैं आयु सीमा से पहले यह देख सकते हैं दोस्तों आयु सीमा, तो कैंडिडेट की जो आयु की गणना की जाएगी वो 1/7/2018 की डेट के आधार पर की जाएगी। जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु इसमें रखी गई है 22 वर्ष। इसके साथ इसमें ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलने वाली दोस्तों, SC और ST को 5 और OBC वर्ग को 3। और इसमें ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 के बीच जिस कैंडिडेट का जन्म हुआ हो, ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकते हैं। जॉब लोकेशन मैंने बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। इसके साथ ही ये बेसिक सामान्य जानकारी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में यह बताया, तो कैंडिडेट का फिजिकल फिट होना चाहिए। अब सेलेक्शन की बात करने से पहले इसकी ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं uppbpb.gov.in, इस साइट पे जाकर कैंडिडेट विस्तृत जानकारी देख सकता है और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, सेलेक्शन होगा लिखित परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि व तार्किक क्षमता से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कि जो आपका फिजिकल कितना रखा गया है, फिजिकल में कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट जो सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के जो अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
चेस्ट की बात करें तो दोस्तों चेस्ट होनी चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर तक कैंडिडेट अपनी चेस्ट फुला सके। इसके साथ ही दोस्तों जो इसमें सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में आपका लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल होगा, मेडिकल, और इसके साथ अंत में जो कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी, उस कट ऑफ लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम आएगा उसी को इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये अच्छी वैकेंसी है, जो कैंडिडेट इसके लिए योग्यता रखता है वो अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं आरक्षण वायु सीमा में छूट। तो दोस्तों जो आरक्षण मिलेगा वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको ही इसमें आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको जनरल कैटेगरी में इसमें शामिल किया जाएगा। तो आयु सीमा में छूट के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको लिंक देंगे, उस लिंक पर विस्तृत जानकारी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक और आवश्यक संपूर्ण जानकारी हर वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए, मैंने संपूर्ण जानकारी लगभग बता दी है, आयु सीमा में छूट, क्वालिफिकेशन, ऑफिशियल साइट और इसके साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस, और इसके साथ ही दोस्तों आपको सैलरी सहित और ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट और अंतिम तिथि। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए, जिससे आपको जो भी वैकेंसी निकले और शेयर करेंगे तो इस वैकेंसी से संबंधित जो कैंडिडेट योग्यता रखता है वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल रोजगार समाचार इंडिया को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको जो भी भर्तियां निकले या उन भर्तियों से संबंधित जो भी लेटेस्ट ताज़ा जानकारी उनकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।